क्या आपको पता है दिवाली मनाने के पीछे कई सारे वैज्ञानिक कारण हैं? क्या आपको पता है हम दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं? क्या आपको ये भी पता है कि हम लक्ष्मी देवी की पूजा क्यों करते हैं? हम एक दूसरे को मिठाई और उपहार क्यों देते हैं? दिवाली एक प्रमुख भारतीय त्यौहार जो भारत में सभी जगह मनाया जाता है। दिवाली जिसे हम दीपावली या रोशनी का त्यौहार कहते हैं, वे समृद्धि, एकता और सभी आने वाली अच्छी चीजों का प्रतीक है। दिवाली की शुरुआत तब हुई थी जब प्रभु श्री राम लंका के नरेश रावण का वध कर सीता मैया को अयोध्या वापस ले आए थे, जिस घटना को हम रामायण के नाम से भी जानते हैं। उस वक्त अयोध्या वासियों ने उनके राजा के स्वागत के लिए दीप और दिए जलाए थे, जिससे उनकी वापसी में रंगत बढ़ गई थी। आज की तारीख में दिवाली ट्रेंड्स के आधार पर मनाई जाती है, पर क्या आपको पता है दिवाली मनाने के पीछे कई सारी वैज्ञानिक कारण हैं? जी हाँ, दिवाली का हर एक पहलू किसी वैज्ञानिक कारण से मनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको 7 वैज्ञानिक कारण बताएंगे जिस वजह से हम दिवाली मनाते हैं। पुराने समय में भारत के अधिकाधिक लोग खेती पर निर्भर थे। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह उनके फसलों पर निर्भर थी, और जब फसलों का उत्पन्न अच्छा और भरपूर होता तो अच्छी कमाई होती थी और घर में आर्थिक समृद्धि होती थी। आर्थिक समृद्धि जिसे धन या लक्ष्मी भी कहते हैं। और तब समय होता था प्रकृति और देव देवियों को शुक्रिया करके उत्सव मनाने का। पर्याप्त धन होने का मतलब था नए वस्त्र, घर की नई रंगाई, लक्ष्मी देवी की पूजा करके उनसे प्रार्थना करना कि हर साल ऐसी ही लाभदायक फसलें हो। अब आपको पता चल गया होगा कि दिवाली में हम नए कपड़े क्यों खरीदते हैं और लक्ष्मी देवी की पूजा क्यों करते हैं। दिवाली भोज। हम सभी को दिवाली में बनाए जाने वाले भोज, जिसे हम मराठी में फराड़ भी कहते हैं, पसंद तो होंगे ही, परंतु वो बनाने के पीछे भी एक कहानी है। जैसे पहले बताया गया था, सर्दियों में रात जल्दी हो जाती थी, तब देर रात को खाना बनाना काफ़ी मुश्किल होता था, और अभी की तुलना में उस काल में लोग काफ़ी जल्दी सोते थे। इसी कारण घर की महिलाएं घर में नमकीन और अन्य खाने की चीज़ें बना के रखती थी, जिसे घर के सदस्य बाद में खा सके। और यही कारण है कि लोग आज भी दिवाली के अवसर पर भिन्न भिन्न तरह की मिठाइयाँ और भोज बना के रखते हैं। दिवाली के पहले दिन प्रस्थान किए जाने वाले स्नान को अभ्यंग स्नान कहा जाता है, जिसके पीछे भी एक कारण है। अभ्यंग स्नान पुराने गिले शिकवे, ईर्ष्या और घमंड भूल के नई शुरुआत करने का प्रतीक है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, अभ्यंग स्नान में प्रदान किए जाने वाले सभी चीज़ें शरीर के हानिकारक तापमान को कम करने में मदद करती है। इसी के साथ उन घटकों से त्वचा मुलायम ही नहीं होती, बल्कि त्वचा में बसने वाले पर्यावरण के पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। इसी कारण से अभ्यंग स्नान को आज भी इतना महत्व दिया जाता है। रंगोली। दिवाली में दरवाजों पर रंगोलियां मेहमानों के स्वागत करने हेतु ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी देवी का स्वागत करने के लिए भी बनाई जाती है। ज़्यादातर रंगोलियां पायदान के माप की होती है। रंगोलियों के भिन्न भिन्न डिज़ाइन और साइज रंगोली बनाने वाले व्यक्ति के कौशल्य पर निर्भर है। रंगोली देखकर हर एक का मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है, और इसी पहलू को लेके ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी देवी भी प्रसन्न होकर उस घर के वासियों को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। दिवाली के उपहार। दिवाली त्यौहार के आसपास ही फसलें काटने का समय होता है। उस वक्त किसान उनके फसलों से मिलने वाले मुनाफों का मायना करते हैं, और जब फसलें अच्छी होती हैं और व्यापार में फायदा होता है, तब दिल खोल के खुशियाँ बांटी जाती हैं। यही कारण है उपहार और मिठाई देने का। किंतु ये एक ही कारण नहीं है, दिवाली नए साल का भी प्रतीक होता है, और उस शुभ अवसर पे मिठाई और उपहार देके नए साल की बधाइयाँ भी दी जाती हैं। दिवाली खुशी, अच्छाई, समृद्धि के लिए मनाई जाती है। दिए जलाना, सबको बधाई देना, देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब हमारे समाज और रिश्तों में एकता और मिलाप लाने के लिए किया जाता है। इसका संदेश एक ही होता है कि हम सबको मिल के एकत्रित होना है और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है, और दिवाली इसी का प्रतीक है। तो ये थे 7 साइंटिफिक या वैज्ञानिक कारण जिसके वजह से हम दिवाली मनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।